ऑथर एरिक अपने दोस्त लुई के साथ स्पेन से पोर्चुगल जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट में एरिक को अपने चेस्ट और लेफ्ट आर्म में पेन महसूस होता है, जिसके बाद वो तुरंत एयरपोर्ट के इमरजेंसी रूम में जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन नाम का एक पेन किलर देता है। डॉक्टर फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए मना करते हैं, बट एरिक को अपनी बिजनेस डील्स पूरी करनी थी और वो डॉक्टर से झूठ बोल के फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। इसके ठीक कुछ ही मिनट के बाद जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, एरिक को पहले से भी ज्यादा चेस्ट और बाजू में पेन फील होता है। उनका लेफ्ट हाथ बिल्कुल सुन पड़ जाता है और उनकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। उनका दोस्त लुई घबरा के एयर होस्टेस को बुलाता है। एयर होस्टेस ये देख के डर जाती है और वो चिल्लाती है, इमरजेंसी इमरजेंसी, क्या फ्लाइट में कोई डॉक्टर है? लकीली उस फ्लाइट में एक डॉक्टर भी ट्रेवल कर रहा था। वो एरिक को देखते ही एयर होस्टेस की तरफ टर्न करता है और कहता है, आपको प्लेन को लैंड करवाना होगा, इनको एक मासिव हार्ट अटैक आया है। ऑथर एरिक इस इंसिडेंट को अपनी बुक द थ्री अलार्म्स में नरेट करते हैं, जो उनके साथ 2010 में एक बिजनेस ट्रैवल के दौरान हुई थी। एरिक उस समय तक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके थे, वो मैकेंजी जैसी कंपनी के लिए काम कर चुके थे, स्काइप बना चुके थे, इन शॉर्ट पैसे से रिलेटेड वो हर चीज कर चुके थे। लेकिन जब उन्हें स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था, तो पैसे से रिलेटेड कोई भी ख्याल उनके मन में नहीं था। इस वक्त पर उनके दिमाग में सिर्फ उनकी फैमिली ही चल रही थी, उनकी पत्नी और 5 साल का लड़का, जिन्हें लास्ट 10 सालों में उन्होंने बहुत ही कम टाइम दिया। यहाँ तक कि बेहोश होते होते भी एरिक डॉक्टर्स को यही कह रहे थे, प्लीज मुझे मरने मत दीजिएगा, मेरा 5 साल का एक लड़का है। इस इंसिडेंट के बाद एरिक को समझ आ गया था, क्योंकि लाइफ में 3 चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। पिछले 10 से 15 सालों में वेल्थ के केस में, अपने करियर के केस में वो नंबर 1 पर थे, लेकिन रिलेशनशिप और हेल्थ के केस में वो 0 थे। जब एरिक अपने हार्ट अटैक से रिकवर हुए, तो उन्हें पता था कि मैं इन 3 चीजों में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। बट उन्हें पता नहीं था कि इन तीनों चीजों में एक साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, इसलिए उन्होंने सालों तक इस चीज पर रिसर्च करी और उन्हें 2 चीजें पता चली। पहली थी पीक परफॉर्मेंस और दूसरी चीज थी 3 अलार्म सिस्टम। अब सवाल आता है कि ये पीक परफॉर्मेंस है क्या? पीक परफॉर्मेंस का मतलब है कि हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी को यूज करते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए जो हमें पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी। अब हर इंसान अपनी पीक परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाता। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग 100 में से सिर्फ 2 ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर पाते हैं। एरिक भी इन 2 लोगों में आना चाहते थे, बट उन्हें पता नहीं था कि एग्जैक्टली वो एक पीक परफॉर्मेंस अचीव कैसे करेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीजों को रिकॉल किया, फिर उन्हें याद आया कि कॉलेज टाइम पर एक बार उन्होंने अपनी पीक परफॉर्मेंस अचीव करी थी। एक्चुअली हुआ ये था कि एक बार एरिक के कॉलेज में स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर आए थे और उन्होंने एरिक की पूरी क्लास को मैकेंजी के बारे में बताया और मजाक में कहा कि ये कंपनी सिर्फ स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसे कॉलेजेस से ही लोगों को हायर करती है और तुम जैसे नॉर्मल ग्रेजुएट का तो उसमें कोई चांस ही नहीं। इस चीज को एरिक ने एक चैलेंज की तरह लिया और डिसाइड किया कि अब वो मैकेंजी जाएंगे ही जाएंगे इसके बाद एरिक को एक चांस मिला। वो अपने कॉलेज के फाइनेंस क्लब के प्रेसिडेंट बन गए और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उन्हें एक ऐसी बड़ी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे फाइनेंस क्लब के जो मेंबर्स हैं वो उस कंपनी में विजिट कर पाए। एरिक बहुत मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता था कि ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि मैकेंजी होगी। उन्होंने मैकेंजी के हायरिंग मैनेजर से बात करी और ट्रिप को फाइनलाइज करवा दिया। ट्रिप के दौरान उन्होंने हायरिंग मैनेजर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाया और ट्रिप कंप्लीट होने के बाद भी उनसे कॉन्टैक्ट में रहे। जब मैकेंजी में जॉब निकली तो एरिक ने इसी कॉन्टैक्ट को यूज करके अपनी एप्लीकेशन, जो नॉर्मली कभी क्लियर नहीं होती थी, उसको जल्दी क्लियर करवा लिया और सीधे इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। इंटरव्यू के लिए एरिक ने रोज 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करी। मैकेंजी के 9 राउंड के इंटरव्यू होते हैं और 2000 में से सिर्फ 22 लोग उस वक्त सिलेक्ट होने थे, जो कि बहुत ही अच्छे कॉलेजेस से थे। लेकिन इसके बावजूद एरिक की वहां पर सिलेक्शन हो गई और वो पहली बार जिंदगी में अपनी पीक परफॉर्मेंस दे पाए थे। अब ये बात तो अच्छी थी, बट एरिक को पता था कि ये पीक परफॉर्मेंस सिर्फ करियर की तरफ नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी एक डार्क साइड भी है। इसमें एरिक इलॉन मस्क का एग्जांपल देते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम के एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हर दिन 17 घंटे तक काम करते हैं और कई बार वो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो खुद का बर्थडे तक भूल जाते हैं। टेस्ला फैक्ट्री के एक छोटे से सोफा में वो कई रातों तक सोए हैं और 2001 में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। ऑल्दो इलॉन मस्क को लाखों लोग आइडलाइज करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, बट उनकी तरह ये पीक परफॉर्मेंस अगर हम भी फॉलो करेंगे तो हम बर्बाद हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए इमेजिन कीजिए कि आपको लगातार 2 दिन तक सोने का मौका ना मिले तो आपका मेंटल स्टेट कैसा होगा। 2004 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 हफ्तों तक अगर हम रोज सिर्फ 6 घंटे ही सोते हैं तो इससे हमारा माइंड और बॉडी ऐसा परफॉर्म करेंगे
जैसे कि हम दो दिन से सो ही ना हो, यानी हम अपनी ए गेम खेल ही नहीं पाएंगे। एरिक भी तो एग्जैक्टली ऐसे ही कर रहे थे, वो 5 से 6 घंटे सोते और पूरा का पूरा बाकी टाइम सिर्फ अपने करियर को देते, ना ही हेल्थ को ना ही रिलेशनशिप को, और इसलिए वो हार्ट अटैक से मरते मरते बचे। वो एक बार तो इतने बिजी हो गए थे कि उनकी वाइफ ने उनको छोड़कर चले जाने की बात कर दी थी। अब इससे पहले कि हम हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर के लिए अलग अलग अलार्म को सेट करें, हमें ये पता होना चाहिए कि इस अलार्म को सेट करने का मेथड क्या है। और एरिक इस मेथड को IPA मेथड कहते हैं, जहां पर आई का मतलब है आइडेंटिटी बेस्ड चेंजर। ऑथर नील फ्योरे अपनी बुक अवेकन योर स्ट्रॉन्गर सेल्फ में बताते हैं कि उन्हें स्किंग करने का बहुत शौक था, लेकिन काफी ट्रेनिंग के बाद भी वो एक एवरेज स्कीयर ही बन पा रहे थे। मतलब उनकी परफॉर्मेंस एकदम रुक गई थी। वो डर के अपने कोच के पास चले गए और उनसे कहा कि मेरी परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हो ही नहीं रही। इस पर उनके कोच ने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि तुझे अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो सिर्फ इमेजिन कर कि तू वर्ल्ड चैंपियन हंस की तरह एक स्कीयर है जो कि बेस्ट है। जब धीरे धीरे नील ने इसे इमेजिन करना स्टार्ट किया और इस आइडेंटिटी को एक्चुअल में एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बहुत इंप्रूव होने लग गए। देखिए, नील की तरह हमें से बहुत से लोगों में ये कैपेबिलिटी होती है। हमें अपनी हैबिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, कई बार सिर्फ हमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी पड़ती है, जिसके बाद मैजिक हो सकता है। अलार्म सेट करने के लिए IPA में नेक्स्ट मेथड आता है P, यानी प्रोडक्टिविटी प्लानिंग। कॉमेडियन जेरी हर नए साल में अपने दीवार पर कैलेंडर लगाते थे और जिस भी दिन वो नए जोक लिखते थे, वो कैलेंडर पर उस डेट में क्रॉस मार्क कर देते थे। अब इसे होता यह था कि जब भी वो कैलेंडर पर 7 या 8 दिन तक लगातार क्रॉस मार्क करते, तो उनका हमेशा मन करता कि स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए, और वो लगातार मैक्सिमम दिनों तक पूरे साल में नए जोक्स लिखते रहते, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे कॉमेडियन बन पाए। ये तो होगी प्रोडक्टिविटी प्लानिंग की बात, बट अगर हमें पीक प्रोडक्टिविटी पर काम करना है, तो हम हर कोई काम नहीं कर सकते। हर 100 में से हमें 80 काम तो करने ही नहीं है। इसे हम एरिक के एग्जांपल से समझते हैं। एरिक जब अपने रेस्टोरेंट चिलांगो को बिल्ड कर रहे थे, तो उनके सामने इंप्रूवमेंट के कई सारे स्कोप थे। वो सजावट पर काम कर सकते थे, स्टाफ मेंबर पर कर सकते थे, कस्टमर सर्विस पर काम कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे कामों की लिस्ट बनाई और उसे रेवेन्यू वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, यानी जिससे सबसे ज्यादा पैसा बन सकता है उसे सबसे ऊपर, और जिससे सबसे कम पैसा बनेगा उसे सबसे नीचे। और उन्होंने नोटिस किया कि जो रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी है, उससे वो सबसे ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने फूड पर काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने दोबारा से एक लिस्ट बनाई और देखा कि सबसे ज्यादा पैसे किस डिश से वो कमाते हैं। इसके लिए एरिक और उनके पार्टनर ने एक स्ट्रीट फूड से लेकर टॉप शेफ तक सबके रेसिपीज को चेक किया और इवन $500 का एक प्राइस भी रखा। इसके लिए एरिक और उनके पार्टनर ने स्ट्रीट फूड से लेकर टॉप शेफ सबके रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट में ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, और जिस जिस खाने को कस्टमर सबसे ज्यादा ऑर्डर करते थे, सिर्फ उन्हीं खाने को अपने रेस्टोरेंट में ऑफर किया। सेकेंड मेथड जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो है सिंगल टास्किंग। जब एरिक रेस्टोरेंट बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे थे और उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, तो वो लिस्ट के हर एलिमेंट पर काम करना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ जो टॉप वाला एलिमेंट था उस पर काम करना स्टार्ट किया, उस पर पूरी एनर्जी दी, और जब उससे उन्होंने मैक्सिमम रेवेन्यू अचीव कर लिया, उसके बाद उन्होंने बाकी काम करना स्टार्ट किया। अपने अलार्म्स को सेट करने के लिए IPA की लिस्ट में तीसरा इंग्रेडिएंट आता है A, यानी एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी को समझने के लिए एरिक अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस सोल्जर का एग्जांपल देते हैं। ये सोल्जर रेगुलरली बैटल्स में जाते हैं, गोलियों के बीच से आगे बढ़ते हैं और हर रोज अपनी जान को रिस्क में डालते हैं। मतलब ओवरऑल ये बहुत ही स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जब ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं, तो उस सिचुएशन में ये सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहते, बल्कि इसमें वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को एंटी फ्रेजिलिटी कहते हैं, यानी स्ट्रेस से हम इतनी बार गुजर चुके हैं कि हम स्ट्रेस प्रूफ हो गए और हमेशा अपनी ए गेम खेलते हैं। मगर अब सवाल ये है कि इतनी बार हम स्ट्रेस में जाएं कैसे, इसी से तो डर लगता है। एंटी फ्रेजिलिटी को बेटर परफॉर्म करने के लिए एरिक एक काफी यूनिक और सिंपल सोल्यूशन बताते हैं। वो है कि खुद को पेनल्टी इम्पोज करना। जैसे कि एरिक जब अपने पीक परफॉर्मेंस रूटीन में बार बार फेल हो रहे थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हर फेलियर पर वो $1,000 डोनेट करेंगे, और इसी लॉस के डर से एरिक और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे। एंटी फ्रेजिलिटी की स्ट्रिक को फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी फॉलो करते हैं। उन्होंने और एयरैक ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अगर उनमें से कोई भी इंसान एक भी दिन जिम में नहीं गया, तो दूसरा इंसान उनके नाम का परमानेंट टैटू अपनी बॉडी में बनवाएगा। अब ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट दूसरे इंसान का टैटू अपने बॉडी में नहीं छपवाना चाहते, इसलिए अगर वो थके भी होते हैं तो भी वो जिम जाते ही जाते हैं, और उसका रिजल्ट हम इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि किसी भी अलार्म में हमें 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, IPA और A, अब हम देखते हैं कि 3 अलार्म सेट कैसे करने हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हमें 3 अलार्म 3 डिफरेंट चीजों के लिए सेट करने हैं। पहला है हेल्थ,
दूसरा करियर और तीसरा रिलेशनशिप। मगर जब भी हम ये अलार्म सेट करेंगे, उस अलार्म का जो नाम है वो आईपीए में जो आए है आइडेंटिटी, उस चीज पर बेस्ड होना चाहिए। इसे इस एग्जांपल से समझिए। देखो, एरिक का एक क्लाइंट है पैट्रिक, जो कि एक सीईओ था। उसका वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, तो उसने क्या किया, उसने अपने लिए एक आइडेंटिटी बनाई। उसे डर था कि जब भी वो 70 साल का होगा उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए उसने एक अलार्म रखा और उसका जो नाम है वो रखा 70 ईयर ओल्ड मी। अब सुबह 6:30 बजे हमेशा वो अलार्म बजता और ये नाम उसके सामने आता, 70 ईयर ओल्ड मी, जिससे उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये आ जाता कि 70 साल की उम्र में वो लड़खड़ाना नहीं चाहता। इसलिए वो जिम चले जाता और पूरे दिन जो डिसीजन है इसी आइडेंटिटी के बेस पर लेता, जिसकी वजह से 3 महीने में उसका जो वेट है वो 10 kg से कम हो गया। अब बाकी के जो 2 एरियाज हैं, रिलेशनशिप और करियर, इसमें भी हमें 2 डिफरेंट अलार्म सेट करने हैं। देखिए, अगर हम एरिक की बात करें तो वो 3 अलार्म दिन में सेट करते हैं। सुबह 6:30 बजे का, जिसका नाम उन्होंने रखा है वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन, यानी इस आइडेंटिटी के बेस पर वो जिम जाते हैं। दूसरा अलार्म है 9 बजे का, जिसका नाम उन्होंने रखा है वर्ल्ड्स बेस्ट कोच, क्योंकि वो कोच है बिजनेस वालों के लिए, इसीलिए वो एक परफेक्ट कोच की तरह एक्ट करना चाहते हैं थ्रू आउट द डे। तीसरा अलार्म है शाम के 6:30 बजे का, जिसमें वो टाइम अपनी फैमिली और रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, और इस अलार्म का उन्होंने नाम रखा है वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड एंड फादर। अब इससे फायदा ये होता है कि जब 6:30 बजे वो घर पहुंचते हैं तो उनके सामने ये नाम डिस्प्ले होता है, जिसकी वजह से वो अपने लैपटॉप को छोड़कर, ईमेल्स को छोड़कर सिर्फ अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, और पहले की तरह वो अपने फैमिली के साथ इरिटेट नहीं होते, बल्कि उस टाइम को पूरे तरीके से जीते हैं। करियर वाला जो एरिया है, उसके लिए एरिक ने 50 से भी ज्यादा बुक्स पढ़ी, ये समझने के लिए कि वर्ल्ड के जो बेस्ट सीईओ हैं, वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, इतने प्रोडक्टिव रहते कैसे हैं। इसलिए जो पी है, यानी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो एग्जैक्टली एक अच्छे सीईओ की तरह काम करते हैं, यानी यूजलेस चीजें नहीं करते, सिर्फ वो वाली चीजें जो उनकी लाइफ में एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। वैसे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सीईओ इलॉन मस्क और जेफ बेजोस हैं, और इन दोनों की जो बुक्स हैं इन्वेंट एंड वंडर और इलॉन मस्क की बायोग्राफी, ये गीगल ऐप में आप सुन सकते हैं। यहाँ पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। तो अगर आप नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। इन शॉर्ट, इस वीडियो में हमने 3 अलार्म्स के बारे में बात करी, जो कि है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के ऊपर। और इन 3 अलार्म को सेट करने के लिए हमने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, विच इज आईपीए। आई का मतलब है आइडेंटिटी, यानी अलार्म का जो नाम है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें कुछ याद दिलाए, यानी हमारी आइडेंटिटी क्रिएट हो। जिससे पी का मतलब है प्रोडक्टिविटी प्लानिंग, यानी जो हम काम कर रहे हैं, जब ये अलार्म बजेगा तो हर कोई काम नहीं होगा, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का ही काम होगा, बाकी सारी चीजों को हमें बोलना है नो। और ए का मतलब था एंटी फ्रेजिलिटी, यानी स्ट्रेस को अगर हम बार बार जिएंगे तो हम एंटी फ्रेजाइल बन सकते हैं। पर सवाल ये था कि स्ट्रेस को जिए कैसे, क्योंकि उसी से तो डर लगता है। इसका सलूशन था अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि मिस्टर बीस्ट ने एक लीगल अग्रीमेंट साइन किया है कि अगर वो एक भी दिन जिम नहीं गया तो वो दूसरे इंसान का, एयर रैक का जो नाम का टैटू है, वो अपनी बॉडी में छपवाएगा। I mean, इससे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकती है, एक लीगल अग्रीमेंट साइन कर लिया। आई होप एंड प्रे कि इस वीडियो की लर्निंग को आप अपनी रियल लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और 2024 अपना बेस्ट ईयर बनाएंगे। दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते। जय हिंद।